कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बद्दी के बबलू पंडित को इटक का प्रदेशाध्यक्ष घोषित करने पर इटक के पूर्व अध्यक्ष हरदीप सिंह सुर्ख हो गए हैं और उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा ने सुक्खू को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अध्यक्ष किसी ने मनोनीत नहीं किया था, बल्कि वे चुनावों के माध्यम से चुने गए थे और उन्हें 3 सालों के लिए राज्य अध्यक्ष बनाया गया था। इटक के पूर्व अध्यक्ष हरदीप सिंह बाबा ने कहा कि ज्ञात हुआ है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बबलू पंडित को इटक का राज्य अध्यक्ष घोषित किया है, लेकिन शायद इटक के संविधान की पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष की नियुक्ति कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नहीं कर सकता है और उसे केवल चुनावों के माध्यम से ही चुना जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर बड़ा बदलाव संभव है, इसलिए शायद कांग्रेस अध्यक्ष अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपने अधिवक्ताओं की सलाह लेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष को नोटिस भिजवाएंगे। मुझे कुछ नेट पर जो ज्ञात सूत्रों से पता लगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू जी ने किसी बबलू पंडित की नियुक्ति जो है इंटक राज्य अध्यक्ष के तौर पर की है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इंटक का राज्य अध्यक्ष का चुनाव जो है वो 20 अगस्त 2017 को बिलासपुर में हुआ था और इंटक का अपना एक संविधान है और उस संविधान के तहत इंटक के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती। कोई भी कांग्रेस का अध्यक्ष इंटक के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर सकता। इंटक का अध्यक्ष जो है चुनाव के जरिए चुना जाता है। इंटक की हिमाचल इंटक में लगभग कोई 118 यूनियन से ज़्यादा यूनियंस के डेलीगेट्स के रूप में जो यूनियंस के प्रधान जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने 20 अगस्त को जो है चुनाव हिमाचल प्रदेश इंटक के राज्य अध्यक्ष का हुआ था, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में इंटक के युवा इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गाबा जी जो है सेंट्रल इंटक से आए थे, उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ और 3 साल के लिए हमारा चुनाव जो है वो मान्य है। मुझे जब ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं प्रेस के माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बयान जारी किया उसकी मैं निंदा करता हूँ और जो कांग्रेस पार्टी में घटनाक्रम चला है और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर जो प्रदेश भर में चर्चा है, सभी लोग जानते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी में बदलाव होना है, वो संभावित है। उसी को देखते मैं समझता हूँ कि वो अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठे हैं और इंटक में जो है दखल अंदाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी आगाह करना चाहता हूँ कि आपकी ये जो मानसिकता है, ये जो सोच आपकी है, ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी अपने लीगल जो हमारे मेरे एडवोकेट्स हैं उनसे सलाह करके जो है लीगल नोटिस जो है इनको भेजा जाएगा और जो ये हरकत जो एक बचकानी हरकत इनके द्वारा की गई है इसकी मैं जो है घोर निंदा करता हूँ।